मेरी अम्मा की जिंदगी को तो नरक बना दिया है तुम्हारे आई बाबा ने। तुम्हारे आई बाबा को तो कुछ नहीं कर पाया मैं, लेकिन मेरा बदला अब तुम्हारी जान लेकर पूरा होगा। कल्याणी, ज्यादा दिनों तक नहीं बचोगी तुम। कल्याणी, तुम ठीक हो ना? कल्याणी, क्या हुआ? आगे बोलो कल्याणी। तुम ठीक हो ना? कल्याणी, आगे बोलो। कल्याणी कुछ बोलती क्यों नहीं? कल्याणी ठीक हो ना? कल्याणी तुम ठीक हो ना? कल्याणी क्या कर रही हो तुम? तब सब ठीक तो है? कल्याणी क्या हो रहा है? कुछ बोलो जल्दी से। चक्कर आ रहे हैं? हाँ, आप लोगों को करंट नहीं लगा? करंट? थैंक गॉड मैं इलेक्ट्रिक वुमन नहीं बनी। पता है मैंने मूवीज में देखा है, जब किसी को जोर से करंट लग जाता है ना, तो वो इंसान जिसको छूता है उसको भी करंट लगता है। माई आप ही संभालिए इसको। कुछ नहीं हुआ इसको, क्या देख रहे हैं आप लोग, चलिए जाइए। दिमाग घूम गया इसको करंट लगने के बाद। अगर दिमाग के डॉक्टर की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मलाड जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने मूवीज में भी देखा और कॉमिक्स में भी पढ़ा है, ऐसा होता है। कल्याणी, यह डर के मारे हमारी सांस अटक रही थी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो अब घर चलते हैं, कहीं नहीं जाना है अभी हमें। पर आई मैं सच में ठीक हूँ। मैंने कहा ना, हमें कहीं नहीं जाना है, घर चलो। बैग उठाओ। चलो बाय बाय। जब जरूरत होती है तो मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। गांव वालों के लिए हमने कितनी मदद की, लेकिन आज जब हमारी हालत खस्ता है तो आओ समझाइए ना अपने आई को। अगर अथर की आरती कर देगी तो कारोबार बंद होने की नौबत तो नहीं आएगी, हो कि नहीं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इल्या। अब तुम ही बताओ क्या करें। हमने जिससे भी मदद मांगी उन्होंने हमें निराश ही कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें विश्वास है कि कोई ना कोई हमें हमें पैसों की मदद जरूर करेगा। अरे आइए आरती कर लीजिए, भगवान साक्षात खुद ब खुद आरती करवाने आए हैं, दर्शन देने आए हैं। आइए चेहरे पर से नकाब हटाइए, एक अच्छे से मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करवाइए, सुबह शाम दर्शन कीजिए, आरती कीजिए और बदले में भगवान पैसों की भेंट देंगे। अरे आइए ना साहेब, आरती कीजिए ना। आज बहुत मन कर रहा है,
बदले में भगवान अपने प्रसाद के रूप में चेकबुक से पैसे निकलवा कर देंगे। आओ साहेब, चुपचाप अथर्व जैसा कह रहा है वैसा करो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। अथर्व तो आपको सिर्फ आरती करने के लिए कह रहा है। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो अपने पैरों पर नाक रगड़ने के लिए कहती आपको। संपदा, ये क्या कह रही है तू? अरे भूल गई किसके सामने खड़ी है? हाँ, इसे घूर घूर के क्या देख रही है आप आऊ साहेब? अरे क्या से क्या हो गई हो तुम संपदा? चार पैसे तुम्हारे पास क्या आ गए कि तुम उन लोगों के खिलाफ हो गई जिन्होंने सारी जिंदगी तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा के रखा? अरे कैसे भूल सकती हो तुम कि अहिल्या तुम्हारी आजी है? आजी? अरे काहे की आजी, कौन सी आजी? और कौन से सर आंखों की बात कर रहे हैं आप अप्पा? आऊ साहब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अथर्व जो ये सजा दे रहा है ना इन्हें, ये तो बहुत छोटी है इनके पापों के लिए, और ये इसी बेइज्जती के लायक है, समझे आप? सही कह रही हो संपदा तू। सही कह रही हो तू, आऊ साहब इसी के लायक है, क्योंकि आऊ साहब ने बहुत सारी गलतियां की है। जब तुम्हें और तुम्हारी आई को तुम्हारे बाबा ने घर से बाहर निकाल दिया था, तब आऊ साहब ने तुम्हें इसी घर में सहारा दिया था। गलती तो की थी ना तभी आऊ साहब ने। बचपन से आऊ साहब ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, जिसकी वजह से बाकी के घर वालों को जलन होती थी। तो तुम पर इतना प्यार करने की गलती ही की है ना आऊ साहब ने। इन्हीं गलतियों का फल भोग रही है आऊ साहब, जो आज उनका ही खून, जिस पर एक जमाने में आऊ साहब को बहुत गर्व था, चंद रुपयों के लिए आऊ साहब को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संपदा, गलतियां तुमने भी की है, इस परिवार के भरोसे को अपने पैरों तले रौंदने की गलती, अपने मांग के सिंदूर को ठुकरा के अपने दिल के मैल को अपनाने की गलती। फर्क सिर्फ इतना है कि आऊ साहब की गलतियों में उनका बड़ा दिल दिखता है और तुम्हारी गलती में तुम्हारी औकात। और ताया, कितनी हिम्मत दी आपने आपकी बेटी को कि आपके आंखों के सामने ही आपके आई से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है? आई शपथ, भगवान यहाँ बैठे बैठे पक रहे हैं। ऐसे ही ये घर की कहानी चलती रही ना तो भगवान अपना प्रसाद यानी कि ये चेकबुक लेकर गायब हो जाएंगे। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो ठीक है, एक अच्छा सा बड़ा सा ताला खरीदिए, क्योंकि इस कारोबार इस घर पे तो वैसे ही लगने वाला है। क्या करेंगे आप साहब, नहीं चाहिए आपको पैसे? Oh!
क्या बात है, आज भगवान को लय भारी लग रहा है। नहीं हो साहब, नहीं हो साहब, आओ साहब, नहीं आओ साहब, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप मेरी बात तो सुनिए, इस राक्षस के सामने मैं आपको झुकने नहीं दूंगी। और अगर आपको ऐसे लगता है कि हमारा कारोबार बचाने का बस यही एक तरीका है तो लाइए मेरे पास, मैं करती हूं इसकी आरती। करना चाहती हूँ इस नए भगवान की आरती। हमारे घर के भगवान है ना, आपके साथ तो रोज ही आरती होने वाली है। कल्याणी तुम ये चला क्या करती हो ना, मुझे बहुत मजा आता। कैसे तुम और मलार हर बार छोटे रोते हुए बच्चों की तरह मुझसे लड़ने आ जाते हो। हाँ मुझे बहुत मजा आता है कल्याणी, करती रहो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पैसे के बिना तुम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम भी एक बात याद रखना है, मेरे होते हुए आउसाइब को तुम्हारे या संपदा के आगे पैसों की भीख नहीं मांगनी होगी। मैं करूंगी पैसों का इंतजाम और ना ही ये कारोबार बंद होने दूंगी, देख लेना। लेकिन कल्याणी देशमुख, पूरे देशमुख परिवार को मेरे आगे पैसों के लिए घुटने टेकने ही पड़ेंगे। चलो अथर्व, चलो। काम तो हो जाएगा ना, पक्का? ठीक है, अब मैं आपकी कॉल का इंतजार करती हूँ। थैंक्स। भाव, ये वही आवाज है ना जो आजूबा ने मंगाया है? हाँ हाँ, वही है। अच्छा, thank you।
बिल्कुल चिंता मत कीजिए कुलकर्णी साहब, हमें जैसे ऑर्डर का एडवांस मिलता है ना, हम आपके पैसे लौटाएंगे। नहीं नहीं, आप विश्वास कीजिए। हेलो हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? चाहे हमारे हाथ से वो ऑर्डर निकल जाए, लेकिन हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। नाक में दम करके रखा है अथर्व और संपदा ने। अथर्व से तो कल्याणी निपट लेगी, लेकिन अब केशव से कल्याणी को कैसे बचाऊं? कॉलेज में जो कुछ हुआ वो तो बस शुरुआत थी। केशव अब रुकने वाला नहीं है। पता नहीं वो बदले की आंख में और कल्याणी के साथ क्या क्या करेगा। ये आवाज कैसी? ऐसा लगा जैसे किसी ने वर्कशॉप में पत्थर फेंका। कौन हो सकता है? नहीं इससे आई। यहाँ कौन आ सकता है? कौन था यहाँ पे? कौन कौन आया था इधर? कौन था? कल्याणी, कल्याणी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। और तुम अकेले क्या कर रही हो यहाँ? ये क्या है, ये क्या कर रही हो? ये मौली तुम्हारी रक्षा करेगी। अरे आई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर मुझे कैसे कुछ हो सकते? तुम भी ना, तुम हमेशा बहस क्यों करती हो? मैंने कहा ना तुम्हें पहनना है, बस पहनना है। अरे जाओ अनु, वो लोहे की अलमारी किसी भी समय गिर सकती है। अनुप्रिया। हाँ उसे भाई, चलो चलो अंदर चलो, अकेले मत रहना यार। तुम जाओ ना, मुझे 2 मिनट जरा पलक से बात करनी है। हाँ। 2 मिनट में आ जाना। हाँ। ये कैसे गिर गया? अरे परशा, सदा कहाँ गए सब लोग? आ जाओ यहाँ। ये क्या, ये तुम लोगों ने लगाया था ना, तो ध्यान से रखने चाहिए थे ना। अगर किसी के सर पे गिर जाता तो। परमेश्वरा। कल्याणी तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ हाँ, तुम जाओ।
पावड़ी के पास आकर मिलो।